back everyone to the Ma Show. मैं हूँ फातिमा, मेरे साथ अहमद है. हमने कहा था कि आखिरी चांस है आप लोगों के पास to call in. So do we have a caller waiting? We have a call, yes. Yes, so let's talk to them because this is our last caller जो guest कर सकते हैं. Hello. हाँ जी, सलामकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रही है? जी मैं नौशीन बात कर रही हूँ. और जिन्होंने जो छुप के बैठे हुए हैं सेलिब्रिटी गेस्ट, तो खालिद के अलावा और कोई नहीं हो सकता. और कोई नहीं हो सकता. आप कैसे पता आपको कि कोई और नहीं हो सकता? खालिद का शो हम लोग रोजाना सुबह सुनते हैं और वो जिस तरह नाच कूद के बातें कर रहे होते हैं और जिस तरह स्टाइल में अभी भी स्टिल नहीं बैठे हुए. सही है. मुझे ये बताइए कि अगर ये खालिद है तो उनके बारे में सबसे ज्यादा चीज पसंद क्या आपको? बहुत हम्बल है. सॉरी, ही इज वेरी हम्बल. ओह, ही इज वेरी हम्बल. अच्छा, चलें ठीक है. नौशीन, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ फैन? It's been around 1 year. Okay, done it. All right, thank you so much for calling, Nauseen. Take care. Okay, I think Fadi, I think most of the people have now actually recognized him, so why don't you actually reveal him? And reveal in the meantime, in the meantime, he can take off his mask. Yes, stuff. Please take off your mask. So, all right, you guys can still call in, Likin, 256-3705. If you're a fan, सवाल जवाब जो भी है हर चीज कर सकते हैं. तुम नहीं, मैं उनको कह रहा हूँ. अच्छा अच्छा, सो नाउ उतार ले, let, नहीं नहीं अब आप उतार ले. अच्छा पैसे पहने खेल. All right, so with us today we have the honor of having Khalid with us, who is definitely an RJ for one of the most famous radio stations in Pakistan. Also he's an actor, he's been acting for a while. Ab utar do. And now he's hosting. So basically, he's got a lot on his plate. He's multi-talented, I would definitely say. And he's that. Moved Thank back you, from abroad just to work here. That's very impressive, honestly. Really? मतलब मैंने जब ये सुना तो मुझे अच्छा लगा. लोग भाग जाते हैं. मतलब you see it all around. So you were अच्छा. So the funny thing is that you were actually acting there abroad. I was. I mean, being the downside is, you know, working as an ethnic Australian in this case, you go through a lot of struggle. So I worked a lot of odd jobs, did a lot of door-to-door selling, worked at call centers, fashion retail, whatever I could to pay my bills, at the same time go for auditions. You know, and I started off, jo shuruaat thi meri, and this was, I'm talking 2000-2001, for a year, good year and a half, main sirf extra hi kaam karta tha. Achha. You know, working as an extra, wo court ka scene hai toh wahan peeche bitha diya. और हमेशा कोशिश होती थी कि मुझे नजर आता था कि जिप पे कैमरा है. सो व्हेन डिड यू कैच योर फर्स्ट बिग ब्रेक? व्हेन डिड यू कैच योर फर्स्ट बिग ब्रेक इन ऑस्ट्रेलिया? दैट इज वन, देयर वाज अ सीरीज कॉल्ड द सर्जन, जो ईआर, अगर जो लोग ग्रेज एनाटॉमी ईआर देखते हैं, इट वाज ऑस्ट्रेलियन इक्विवेलेंट ऑफ ईआर, एंड आई प्लेड एन एनेस्थेटिस्ट, वन ऑफ द स्टॉक कैरेक्टर्स फॉर दिस सीरीज, डॉक्टर रॉब सिंह. एंड द ग्रेट थिंग अबाउट दैट वाज आई वर्कड अलोंगसाइड सैम वर्थिंगटन बिफोर ही बिकेम फेमस. So that happened. उसके बाद फिर वहाँ पर एक कल्ट कॉमेडी सीरीज है फैट पिज़्ज़ा के नाम से, और उनका मकसद ये है कि जो एथनिक एथनिसिटीज है वहाँ के, दे टेक द मिकी आउट ऑफ देम बेसिकली. सो देवर टू बिग प्रोजेक्ट्स फॉर मी, एंड देन शॉर्ट फिल्म्स, देयर आर अ लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म्स. रेडियो, आई वाज डूइंग रेडियो इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अ लॉन्ग टाइम. 2004 इज व्हेन आई स्टार्टेड रेडियो. फिर ऐसे भी छुट्टियों के लिए आया था पाकिस्तान. नहीं तो हाँ, अच्छा यही, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, कि ये सारा वहां कर रहे थे, यू प्रोबब्ली हैप्पी डूइंग व्हाट यू वर डूइंग. आई वाज कंफर्टेबल, आई वाज गुड. व्हाट मेड यू कम? सो छुट्टियों के लिए आया था, फैमिली से मिलने. आर यू ओके? आई जस्ट हैव अ रियली बैड थ्रो फॉर द पास्ट 2 मंथ्स. फैमिली से मिलने आया था, तो दोस्त ने कहा, यू नो, यहां पे पाकिस्तान में काफी कुछ हो रहा है, आप तुम भी देख लो, एटसेट्रा. सो आई डिड, आई केम, विजिटेड फैमिली, स्काउटेड द इंडस्ट्री, एंड आई डिडंट नो एनीवन, लाइक एनीवन. Do you feel that that was a problem when you started? Yeah, yeah, initially it was a problem because, yeah. I mean, at the end of the day, do you still hold that opinion? No, because जो अब लोग आते हैं industry में, जो नए हैं, जो शायद किसी को ना जानते हो, अगर मुझसे कभी मुलाकात होती है, मिलते हैं, then I do help her because that's how it feels. आपके एक fan नौशीन ने भी यही बात बोली थी कि she finds you very humble, so that's why she's a fan. But not everyone's very humble. You would agree to that. Yeah. अच्छा, so basically you came from there and now you're working here. Yeah. And how do you find the transition? फर्क दोनों जगहों में क्या है?